नमस्कार सर, आपका नाम? अनूप कुमार पाहवा। अनूप जी, आपने कब ये फ्लैट बुक कराया था और कौन से प्रोजेक्ट में? हमने 2010 जुलाई में बुक करवाया था कासा हाइजल्स में। तो सर, अब 7 साल के इंतजार के बाद भी आज आपकी जेपी से मुलाकात हुई, तो क्या मुद्दा रहा, क्या जवाब मिला? मुद्दा ये रहा कि आपने जब इतना टावर खड़ा कर दिया है, इसको कंप्लीट कब करिएगा? आज भी उनके पास जवाब नहीं है कि पैसा आएगा तो होगा। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, यही चलता रहेगा और जब तक उनका कोई कंक्रीट रिप्लाई नहीं मिलेगा, हम नहीं बता सकते ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। वो बोल रहे हैं वो हमारा पैसा जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है उसने कहाँ खर्चा किया, ही कैन नॉट से। वो एक दूसरा डिपार्टमेंट है, वही बता सकता है। तो इससे अच्छा अगर इनका जो मालिक है मिस्टर गौड़, अगर वो आके अटेंड करें और पब्लिक की जो इनके कस्टमर हैं उनसे जाके बात करें, तो उनको क्लियर होगा कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। अभी एक सेक्शन आ गया उनका, बता दिया ये पोजीशन है, तो इससे तो हमारा क्लियर नहीं हुआ। हमें आज भी ऐसा लग रहा है कि व्हेन दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट वी डोंट नो। This is only... Sir, अगर इन्होंने टाइम दिया आपको 1.5 साल के अंदर खत्म करने का और 1.5 साल के अंदर नहीं हो पाता है पूरा, तो उसके बाद आपका क्या स्टेप रहेगा अगला? हमारा ये स्टेप है कि अगर नहीं होगा तो हमें जो है कानूनी तौर पे जो तरीके हैं, जो जो लॉ बना रहे हैं हमारी मोदी सरकार जी, और जो अभी सरकार चेंज हो रही है यूपी में और नई सरकार जो पुश करेगी, और राजनाथ सिंह के बेटे जी ने भी यहाँ पे नोएडा के इलेक्शन में काफी प्रोमिसेस किए थे कि हम जो है आपके जितने भी फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। लेट अस प्रे एंड सी हाउ दिस आवर ग्रेट लीडर मोदी जी विल डू दिस फॉर अस, सो दैट वी गेट अवर प्रोजेक्ट क्लियर थ्रू द JPs.